नमस्कार दोस्तों, आज मैकेनिक मेरे सामने एक पल्सर है और पल्सर 180 है और इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि हेडलाइट नहीं जल रही, जो कि ये बाइक सर्विस भई और सर्विस होने के बाद कई दिन चलाया गया, कुछ भी समस्या नहीं, सब बढ़िया फर्स्ट क्लास था और आज इसमें कल ही रात में यानी लाइट जलते जलते बंद हो गई। अब जब जलते जलते बंद हो गई तो उसको आपको कैसे चेक करना है, क्या करना है, बिल्कुल सिंपल और आसान बताएंगे तरीका जिससे कभी भी आप चेक कर सकें। और ये न्यू मॉडल है जिसमें लॉक में दो वायर होते हैं, एक में होता है कि चार वायर और एक में होता है दो वायर, तो जो जिसमें दो वायर होता है वो थोड़ा अलग होता है। हमने इससे पहले एक वीडियो जो बनाया था तो जिसमें लॉक में चार वायर थे वो था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले आपको हम प्रॉब्लम दिखाते हैं कहाँ से क्या प्रॉब्लम कर रही है, फिर आपको बताते हैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब मेरे मित्र देखिए, अगर इसको आप ऑन करिए भैया चाबी, देखिए लाइट जल गई, ठीक है, लाइट जल गई, लेकिन ये कुछ सेकंड तक के लिए जलती है, उसके बाद फिर बंद हो जाती है, बंद हो गई। अब स्टार्ट करिए भैया, अब लाइट जलना चाहिए, जो कि और इसकी जो लाइटें होती हैं सब जलती हैं, लाइट ऑन ऑफ कर रहे भैया, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक, ना ऑन हो रहा ना ऑफ हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। और जो इसकी पार्किंग लाइट होती हैं वो जल जाती हैं, यानी यहाँ पर जो लाइट होती है यहाँ पर ये जल जाती है, ये वाली जल जाती है यहाँ पर, देखें ये लाइट जल रही, अगर हम थोड़ा सा दिखा पाते हैं, ये देखिए जल रही, ठीक है, लेकिन ये जो लाइट और यहाँ पर होती है वो नहीं जल रही, जैसे ये जल जाए और इसके ये वाली जल जाए तो ये नहीं जल रही, ठीक है। वो क्या कारण होता है उसको हम आपको दिखाते हैं। तो मेरे मित्र देखिए, अब इसकी लाइट जब बंद है तो क्या किया हमने, यहाँ पर जब कभी आपको ऐसा होता है तो यहाँ पर जो एक पिकअप कॉइल का वायर होता है, यहाँ पर देखें वाइट पे रेड पट्टी है, चार पिन का सॉकेट है, वाइट पे रेड पट्टी, इसमें जब कुछ आता नहीं है या तार टूट जाता है तब ये प्रॉब्लम होता है, चाहे ये ओल्ड मॉडल हो या न्यू मॉडल, उसमें तब ये प्रॉब्लम होता है। तो आपको हम दिखाते हैं, क्या किया, मल्टीमीटर को बीप पे लगाया, देखिए बोल रहा है, ठीक। अब बीप पे लगा कर इसकी रेंज चेक करना, क्या यहाँ पर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यहाँ पर देखिए एक वायर हमने यहाँ पर अर्थिंग दे दिया, बॉडी अर्थ ग्राउंड, ठीक है, और एक वायर यहाँ लगा दिया, तो यहाँ देखिए मल्टीमीटर में कुछ भी नहीं दिखा रहा, जरा सा भी नहीं, ठीक। और आपको हम अगर यहाँ पर चेक करा देते हैं इसके यहाँ पर फाइल प्लेट में, तो फाइल प्लेट में देखिए, देखिए ये अभी बहुत ज़्यादा बता रहा है क्योंकि इसको पूरी ग्राउंड नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ कुछ बता तो रहा है, ये समझिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक वायर यहाँ पर हम जोड़ देते हैं इसी में पिकअप कॉइल में, हमने पिकअप कॉइल में एक वायर ऐसे कर दिया, ऐसे और ये ऐसे, ठीक। अब हम बाइक को स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट करिए भैया, स्टार्ट हो गई, लाइट जलाइए, लाइट अभी नहीं जल रही, ठीक है, देखिए लाइट नहीं जल रही है, लेकिन अगर ये वायर अगर हम यहाँ पर जल गई, ठीक है, सिर्फ एक वायर हमने सिर्फ वहाँ से ये वाला वायर यहाँ पर लगाया, जल गई, ऑन ऑफ करिए भैया, थोड़ा सा ऑन ऑफ करिए, जितने बार भी ऑन ऑफ करते हैं होता है, ठीक है, ऑन ऑफ और इसे अपर डिपर दोनों हो रहा है, ठीक। अगर इस तार को हमने हटा दिया तो ये कुछ सेकंड बाद फिर ये बंद हो जाती है, ये बंद हो गई, ठीक, फिर से लगा दें, जल जाती है। इस तरीके से यानी आपको जब कभी आपको समस्या होता है तो आपको चेक कहाँ करना है, सिर्फ आपको पिकअप कॉइल वाला वायर को चेक करना, ठीक। देखिए ऐसे, क्योंकि देखिए इसका हम आपको जो इसका फार्मूला होता है जिस बेस पे ये बनाया जाता है, बीसीयू काम करता है, वो जो पिकअप कॉइल से ज़रा सा भी करंट निकलेगा तब ये यानी ये लाइट जलेगी, और पिकअप कॉइल काम नहीं करेगा तो नहीं काम करेगा। तो इस तरीके से पिकअप कॉइल सिर्फ काम करता है
उसके बेस पे ये काम करता है। ठीक है, अब हम इसको वायर कहाँ से टूटा वो दिखाते हैं। मेरे मित्र देखिए, खोला गया, यहाँ आप देखिए एक पार्किंग लाइट की भी नहीं जल रही थी। हमने बोला था भैया से कि पार्किंग लाइट नहीं जल रही, तो एक इसका प्योर जो रेड होता है वो वायर टूटा होगा। तो मेरे मित्र ये एक वायर यहाँ पर ये टूटा है और एक वायर यहाँ पर ये टूटा है, यानी जो इसका पिकअप कॉइल का वो वायर टूटा है और एक पार्किंग वाला वही टूटा है। तो इनको दोनों जोड़ करके तब दिखाते हैं प्रॉब्लम सही हुआ या नहीं हुआ। मेरे मित्र अब बाइक स्टार्ट हो गई और वो वायर भी हटा दिया गया, आप देख लें ये वायर यानी हटा दिया गया सब सही। अब वहाँ से सिर्फ जो वायर टूटा था वो जोड़ दिया गया, पार्किंग भी जल रहा है और ये भी जल रहा है, यानी पार्किंग भी जल रहा है, हेडलाइट और ये ठीक। और ऐसा नहीं कि वो जले और बंद हो जाए, वो भी नहीं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास जलेगा, चाबी ऑन है, जल गया, यानी दोनों चीज़ बढ़िया फर्स्ट क्लास काम कर, पार्किंग भी ये भी। तुमने भी छोटी सी जानकारी से बताना चाहा, वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।